हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ, इस समय मैं हूं तुरतुक में। तुरतुक आता है लद्दाख में, लद्दाख लेह, लद्दाख की राजधानी लेह से तुरतुक लगभग है 200 किलोमीटर और लेह से है और हुंडर से लगभग 85 किलोमीटर। तो तुरतुक वो जगह है जो पहले 1971 के जंग के पहले पाकिस्तान में था। 1948 के बाद जब तो पाकिस्तान अपना हिस्सा क्लेम करता है, लेकिन 1971 में जब पाकिस्तान हार गया तो इंडिया ने अपने हिस्से में ले लिया। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट के बाहर यहाँ खड़े हैं और यहाँ हम खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। तो खाना खाएंगे और फिर बाकी आपको तुरतुक के बारे में घुमाता भी हूँ और तुरतुक के बारे में थोड़ी जानकारी दे। तो आइए आज आपको घुमाते हैं इंडो पाक बॉर्डर में स्थित भारत का आखिरी गाँव तुरतुक। हालांकि आखिरी नहीं है, आखिरी तो मतलब कुछ और भी है, पर कहा जाता है कि तुरतुक इंडियन लास्ट प्लेस है। तो आइए चलते हैं, आपको आज तुरतुक घुमाते हैं। हम आ गए हैं तुरतुक में उलाज कैफे रेस्टोरेंट में। यहाँ हमने बलूचिस्तान की लोकल डिश है एक सापून, जो रोटी को वो लोग पका के दिया हमने, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो ये मसाले वसाले पड़े हुए हैं और रोटी को तोड़ के इन्हें पकाया है। और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में क्या क्या बलूचिस्तानी लोकल डिश मिलती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे चन्नी वाले, चंदू वाले और किसर तामिक, किसर मस्कट एक केक टाइप है, प्राकू, ये सापोन है जो मैंने लिया है, इसके अलावा ग्रांगथूर और सापस्कोर और ये है फादिंगनी चू और किसर सैंडविच। और बाकी ये तो लोकल इंडियन फूड है। तो ये यहाँ पे जो बलूचिस्तान फूड मिलता है वो यहाँ पे मिल जाएगा, सबका रेट भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो अभी मैं खाता हूँ सापून। तो कैफे से खाना खा के अब हम आ गए नीचे। जो हमारे साथ आए हैं वो गाड़ी लेके एक कैफे के नीचे आ रहे हैं। तो ये तुरतुक में एक कैफे है, उलाज कैफे रेस्टोरेंट तुरतुक, टेस्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, इंडो पाक का जो व्यू दिखता है वो है यहाँ थांग में। थांग यहाँ से है तुरतुक से 6 किलोमीटर की दूरी पर। और ये तुरतुक जब पहले था ये तुर्किस्तान हुआ करता था, यहाँ पर तुर्किस्तान के राजा वो करते थे, रहते थे, याकबू वंश के राजा यहाँ पे शासन करते थे 816वीं शताब्दी तक। उसके बाद फिर बाद में 1948 विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान के क्लेम में आ गया। 1971 में जब युद्ध हुआ तो ये भारत में आ गया, तब से भारत में है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं थांग, फिर बाकी जो भी हो किया जाएगा तुरतुक में, जो जगह हैं तुरतुक मोनेस्ट्री और म्यूजियम, उन सब जगहों को देखने की कोशिश की जाएगी। हम पहुंच गए हैं थांग गांव। थांग गांव तुरतुक से 6 किलोमीटर है और ये इंडो पाक का आखिरी भारतीय गांव है। और इस यहाँ मतलब आप जब आते हैं तो आपके बीच में एक चेक पोस्ट पड़ता है त्याक्सी, तो वहाँ पे मतलब परमिट चेक होता है और आईडी, आपकी आईडी भी चेक होती हैं। अगर आप उससे आ रहे हैं मतलब टैक्सी बुक करके, तो ड्राइवर का भी लाइसेंस, उनकी आईडी भी वहाँ नोट होती है, सब कुछ नोट होता है। और इसके अलावा ये थांग गांव पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, जैसे मैंने बताया वही तुरतुक है, तो अब इंडिया में है। तो यहीं पे आखिरी रेस्टोरेंट, आखिरी कैफ़े, आखिरी स्कूल, सब कुछ यहीं पर है। तो अब चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ से दिखाई देता है इंडो पाक व्यू। तो काफ़ी भीड़ है, कुछ इस प्रकार यहाँ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंडियन के लिए अलाउ है, टूरिस्ट यहाँ मतलब जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं उनके लिए अलाउ नहीं है, तो सिर्फ इंडियन ही यहाँ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द हिमालयन चॉकलेट्स वेलकम यू टू द नॉर्थन मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया, थांग एट द इंडो पाक बॉर्डर, यू आर द जस्ट 2.2 किलोमीटर अवे फ्रॉम POK गिलगिट बलूचिस्तान। तो ये कुछ लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे लिखा है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ पर दूरबीन है, वहाँ दूरबीन से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है
वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये लोहे का खंभे लगा के मेन मेन ऑफ कंट्रोल, ये अपना इंडिया का मेन, यहाँ का बैंकर। हाँ सर, हाँ सर, यहाँ भी बैंकर भी है ना सर, ये अपना इंडिया का ये बैंकर। ये जो बैंकर बना रखा ना ये। हाँ सर। तो भाई यहाँ पे मतलब ऐसे आंखों से देखेंगे तो आपको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं दिखाई देता है, उसके लिए दूरबीन होती है। तो यहाँ पे 50 रुपये 1% के लगते हैं। तो यहाँ पे जो भारत के तरफ गांव है उसका नाम है थांग, और जो पाकिस्तान के लास्ट विलेज उसका नाम है फारनू। तो ये लिखा है कि थांग विलेज ऑन इंडियन साइड और फारनू मतलब पाकिस्तान के साइड। 1971 से पहले दोनों एक ही मतलब दोनों एक ही जगह पर थे, और 16 से 17 दिसंबर की रात को फिर दोनों अलग हो गए LOC। तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसमें आपको साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो सियोक नदी के उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है। और यहाँ पे बंकर बने हुए हैं जिनको आप दूरबीन से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दुकानें हैं, यहाँ पे कुछ सामान खरीद रहे हैं। ये क्या है? एप्रिकॉट। ये क्या है? जूस ऑयल है। अच्छा, लगाते हैं इसको बालों में की बॉडी मसाज के लिए, बालों के लिए, गुन्ने का दर्द के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो आप खाते हैं सर्जरी के लिए क्या करते हैं? क्या रेट है सबको? ये वाला 300 का सर्जरी, और ये 150 का, और ये भी 150। तो अब हम थांग गांव से निकल रहे हैं तुरतुक गांव के लिए। तो यहां से थांग और तुरतुक के बीच 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो यहां पे ये लिखा है, यू आर स्टैंडिंग एट 1970 बार आर्मी बैंगर मतलब बंकर, ये शायद उस टाइम का बंकर हुआ करता होगा, तो ये लिखा है। तो मतलब यहाँ आप आँखों से तो नहीं देख सकते, दूरबीन से देखना पड़ता है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और ये दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच सियोक नदी है। वैसा सोचा होगा आँख से सामने सामने दिखेगा। तुरतुक आ चुके हैं, और वो हमारे जो अनवर भाई सज्जाद भाई थे वो उनने हमें यहाँ छोड़ दिया है, वो आगे अपने हुंडर आगे की यात्रा करेंगे। तो अब हमें मैं यहाँ एक गेस्ट हाउस में रुका हूँ, गेस्ट हाउस का नाम है रेनबो गेस्ट हाउस, जिसका हमें पड़ा है कमरे का 800 रुपये। तो दो लोग हैं, मैं 400 का पड़ जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कैसा है गेस्ट हाउस और कैसे हैं कमरे। तो है रेनबो गेस्ट हाउस नियर हिस्टोरिक जामा मस्जिद तुरतुक नोरवा। नंबर बोल देता हूँ 9419304871। ये दूसरा नंबर है। तो अब ये एक वॉशरूम, और इधर एक वॉशरूम है, दिखा देता हूँ। तो इधर ये वेस्टर्न है, और एक वो इंडियन है। अब मैं अपना रूम दिखा देता हूँ जो मेरा रूम है। तो ये है रूम। तो इधर एक गद्दा रजाई मतलब एक्स्ट्रा लगे, तो इधर एक कवर टाइप है, इधर एक दो कुर्सी पड़ी हुई है, और ये है कमरा पूरा। और इधर ये खिड़की है, ये यहाँ से ये दो मतलब पूरा खुला है, इधर भी खिड़की है, पूरा मतलब खिड़की है। तो ये हमें पड़ा है 800 रुपये का, दो लोग हैं तो 400 में हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि हमें तो अनबर में लिफ्ट मिल गई थी डिस्क्रिट के पास, तो हम डायरेक्ट तो आ गए। पर जो हम मुझे यहाँ लोगों से पता चला है कि अगर आप मतलब
या आना चाहते हैं तुरतुक, तो डायरेक्ट बस आपको, मतलब बस नहीं चलती है कोई तुरतुक के लिए, पहली तो बात। और दूसरी बात, अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो शेयर टैक्सी चलती है डायरेक्ट लेह से, बीच में आपको शेयर टैक्सी नहीं मिलेगी कि आप सोचें हंडर पहुँच के टेयर से कोई टैक्सी चलती है, आपको बुक करनी पड़ेगी फिर अलग से प्राइड, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो हमारी तो किस्मत अच्छी थी कि हमें अनवर भाई, सज्जाद भाई मिल गए थे, तो हमें जाने के दौरान देखना पड़ेगा हम कैसे जा पाएँ। और बाकी आप लिफ्ट लेके, हम मेरी तरह अगर आप किस्मत अच्छी रही तो लिफ्ट लेके आ सकते हैं। तो बाकी अब हम यहाँ कुछ देर आराम करेंगे, फिर शाम के समय हल्का फुल्का मतलब खाने पीने के लिए निकलेंगे। और आज की मतलब घुमकड़ी पूरी हो गई, क्योंकि थक गए थे और जब वहाँ डिस्किट से यहाँ तक आने में काफ़ी लंबी यात्रा हो गई, थकावट हो गई। तो पहले तो हम एक दिन रुकने वाले थे, अब अगले दिन हमने कल के लिए इसलिए बढ़ाया कि जो आस तुरतुक में जो जगह है उनको घूम पाए। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और शाम को जो करूँगा, खाना खाने जाऊँगा जहाँ, तो फिर वो आपको दिखा दूँगा। शाम के बज गए हैं 6 और हम अपने होटल से वापस तुरतुक आ गए हैं। मतलब हमारा जो होटल है वो तुरतुक बाज़ार से थोड़ा ऊपर है, तो हम वहाँ वापस आ गए हैं। अभी हम एक कच्चे ब्रिज पर खड़े हैं, आपको पहले ब्रिज दिखा देता हूँ। ये कुछ ब्रिज ऐसा है कच्चा, अगर आप चलते हैं तो पूरा ब्रिज हिलता है, और यहाँ से कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा, मतलब क्या ही कहूँ मैं, एकदम मतलब वो एक कच्चा पुल बना हुआ है, इधर भी एक कच्चा पुल है, और बीच से नीचे से बहुत साफ नदी गुजर रही है। नदी का नाम है सियोक नदी, और कुछ ऐसा फिलहाल यहाँ का तुरतुक का नज़ारा है। तो बेहद प्यारा तुरतुक आप यहाँ देख सकते हैं। शाम के समय कुछ तुरतुक ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है, दिन में धूप थी तो थोड़ा मतलब गर्मी थी, उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। अभी मतलब हरियाली भी काफ़ी दिख रही है और सुंदर भी, और ये नदी इस जगह और मतलब खूबसूरत बना रही है। तो अभी हम यहाँ पे मतलब एक रेस्टोरेंट में बैठेंगे कुछ देर यहीं पे, और फिर बाद में यहीं पे खाना खाएंगे। तो तुरतुक में आज हमारा पहला दिन काफ़ी बढ़िया रहा। हम थांग लास्ट विलेज गए थे, जो इंडिया पाक बॉर्डर पे है, लास्ट विलेज वहाँ भी गए, और आज हम मतलब डिस्किट होते हुए यहाँ आए थे। एक गाड़ी मिल गई थी हमें जो हम तुरतुक तक ले आई थी। तो आप पहले ये नज़ारा देखिए, क्या सुंदर नज़ारा है।